सबसे पहले बात करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पांच मन लावारिस मेंढकों का ड्रॉप सीन हो गया है। मुजाहिद फोर्स ने पकड़े गए मेंढकों को दरिया बोर्ड कर दिया। लाइव स्टॉक ने मेंढक लेने से इंकार कर दिया था। तर्जुमान मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से ये वाज़ह तौर पर बता दिया गया है। मुजाहिद स्क्वाड का ये भी कहना है कि लाइव स्टॉक ने कहा जदीद रेप्टिलाइज थे, नायाब या कीमती जानवर थे। लाइव स्टॉक ने कहा कि हमारे लिए मेंढक किसी काम के नहीं है। लाइव स्टॉक ने मामूली रपट लेकर मामला रफा दफा कर दिया, जबकि मेंढक मेडिकल तलबा के लेबोरेटरी तजुर्बात के इस्तेमाल के लिए थे। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चले कि पांच मल लावारिस मेंढकों का ड्रॉप सीन हो चुका है। मुजाहिद फोर्स ने पकड़े गए मेंढकों को दरिया बुर्द कर दिया। लाइव स्टॉक ने मेंढक लेने से इनकार कर दिया है, तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फखर बताएगा ये मेंढक कहाँ से आए? जी बिल्कुल, गुस्सा रोड से ही ये काफी जो खबरें जो है गर्दिश कर रही थी कि पांच मन मेंढक जो है तराई रावी पर जो है स्क्वाड ने पकड़े हैं। लेकिन ये जो मुहावरा है ये तब्दील होकर मेंढक पकड़ और दरिया में डाल बनता जा रहा है, क्योंकि जो तर्जुमान है मुजाहिद स्क्वाड की, उनका ये कहना है कि जो नाके पर पकड़े गए जो मेंढक थे उनको लाइव स्टॉक ने ये इसलिए लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि इससे किसी किस्म का कोई खदशा जो था वो नहीं था। क्योंकि इब्तदाई तौर पर ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि क्या आया कि इस तमाम सर पांच मन मेंढक्स को किसी किस्म के खाने की अशिया में मिलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। लेकिन जब कार्रवाई की गई, तफ्तीश की गई और ये जाहिर किया गया कि ये जो मेंढक हैं ये तो तुलबा के उसके मेडिकल के जो तजुर्बात हैं उनमें इस्तेमाल होने हैं, तो तमाम सर जो लाइव स्टॉक थे उन्होंने तर्जुमान मुजाहिद स्क्वाड के मुताबिक उनका ये कहना है कि लाइव स्टॉक ने मेंढक लेने से इनकार कर दिया था। और उनका कहना था कि कोई जो रेप्टाइल्स हैं, लेटेस्ट रेप्टाइल्स हैं या फिर कोई कीमती जानवर हैं या नायाब जानवर हैं वो उनके काम के हैं, जबकि जो मेंढक हैं वो बिल्कुल भी उनके काम के नहीं है। जिसकी बात जो है मुजाहिद स्क्वाड का ये कहना है कि उन्होंने जो मेंढक थे कुछ तो मुर्दा हालत में थे और कुछ जो थे जिंदा मेंढक जो थे वो दरियापुर कर दिए गए थे, जबकि जो मुलजमान है उनके खिलाफ भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। रूटीन की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई, क्योंकि इन मेंढक से किसी भी किस्म का जो गैर कानूनी काम है वो नहीं लिया जाना था। फखर इमाम मजीद बताएगा कि ड्रॉप सीन तो हो चुका है, मेंढक जो हैं वो दरिया बुर्द भी कर दिए गए हैं, लेकिन आखिर इन्हें किस इस्तेमाल में लाया जाना था? बिल्कुल, इस हवाले से बताया गया है कि इनको जो है मेडिकल के जो तलबा हैं वो तजुर्बात करते हैं और मेंढक पर खास कर जो है मेडिकल के तजुर्बात हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इन मेंढकों को लाया जाना था। और जो इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये मेंढक कहाँ से पकड़े गए, तो ये कुछ बहुत नयाब नस्ल के मेंढक भी नहीं थे, ये आम जो इलाके हैं, आम जो जगह हैं वहाँ से ये मेंढक मुख्तलिफ जो पानी के जखीरे हैं वहाँ से पकड़े गए थे और इनको किसी भी किस्म के नयाब नस्ल डिक्लेयर नहीं किया गया था। जी ठीक है, फखर इमाम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पांच मन लावारिस मेंढकों का ड्रॉप सीन हो गया है, मुजाहिद फोर्स ने पकड़े गए मेंढकों को दरिया बोर्ड कर दिया है, जबकि आपको बताएं कि तर्जुमान मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से यह बताया गया है कि लाइव स्टॉक ने मेंढक लेने से इंकार कर दिया था। लाइव स्टॉक ने कहा जदीद रेप्टाइल्स दें, नायाब या कीमती जानवर दें, मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से कहा गया, जबकि लाइव स्टॉक ने कहा कि हमारे लिए मेंढक किसी काम के नहीं है।